हेलो गाइज, हम अंकित, कैसे हो आप सभी। आज हम टेंस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस की, आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थोड़े ही समय में बार बार बोलता हूँ कि मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ, मगर ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ कि आपको आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। तो हम आज शुरू करते हैं हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी में भी पहचान इसकी वही रहेगी कि या जैसे कि प्रेजेंट में किया है, पिया है, लिया, दिया है, पास्ट में किया था, लिया था, पिया था, किया था, ली थी, दी थी। इसी तरह से फ्यूचर में होगा, होंगे, होगी, उन सभी के सामने क्या लग जाएगा, होगा, होंगे, होगी। जैसे जी हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, किया होगा, आया होगा, खाया होगा, दिया होगा, लिया होगा, चुके होंगे, किए होंगे, आए होंगे, खाए होंगे, दिए होंगे, लिए होंगे, गए होंगे, आई होगी, खाई होगी, गई होगी आदि आता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे लिया होगा, दिया होगा, कोई भी एक्शन हो चुका होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसके अंदर जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब थर्डी लगती है सभी में परफेक्ट के अंदर। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर लगी शैल हैव और विल हैव। आप इसके अंदर शैल हैव आई और वी के साथ यूज करोगे, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। अगर आप आई और वी के साथ विल हैव भी यूज कर सकते हो तो गलत नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप शैल हैव यूज करोगे तो आई और वी के साथ ही यूज होगा, अदरवाइज किसी के साथ यूज नहीं होगा। सभी के साथ विल हैव यूज होगा, बट आप आई और वी के साथ विल हैव भी यूज कर सकते हैं। तो अब आज अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम रूल है, सिर्फ क्या हो जाएगा हिंदी में, किया होगा, दिया होगा, लास्ट में ये सभी आएंगे कि उसने खाना खा लिया होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। ऐसे ऐसे सेंटेंस सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे उसने, उन्होंने उसे मना कर दिया होगा, उन्होंने उसे मना कर दिया होगा तो क्या बनेगी इंग्लिश, दे विल हैव फॉरबिडन हिम। फॉरबिडन क्या होता है, मना करना, दे विल हैव फॉरबिडन हिम। एक एक एग्जाम्पल और देखिए, राम ने शाम की प्रशंसा की होगी, राम ने शाम की प्रशंसा की होगी, तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे, राम विल हैव एडमायर्ड श्याम, राम विल हैव एडमायर्ड श्याम। क्लियर। अब है नेगेटिव, नेगेटिव में सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक एग्जांपल देखिए, उसने सारे पैसे नहीं बांटे होंगे, उसने सारे पैसे नहीं बांटे होंगे, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसकी, He will not have divided all money. He will not have divided all money. Clear? उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, उसने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया होगा, उसने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, He will not have blessed them. He will not have blessed them. Bless का था आशीर्वाद देना। और एक बात याद रखना, आप विल के बाद ही नोट यूज करोगे, ना कि विल हैव नोट यूज करोगे। ऐसे यूज करना, विल नो, विल नोट हैव, हैव बाद में लगेगा और क्या लगेगा, नोट विल के बाद लगेगा। क्लियर। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं सारे, और शुरू में ही इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाता है हिंदी के सेंटेंस के अंदर। जैसे क्या, क्या शुरू में है, क्या उसने जुर्माना भर दिया होगा, क्या उसने जुर्माना भर दिया होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल ही हैव पेड द फाइन, विल ही हैव पेड द फाइन। क्लियर। उसके बाद देखिए, पे पेड पेड सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। क्या राम ने उसे निमंत्रण दे दिया होगा, क्या राम ने उसे निमंत्रण दे दिया होगा, तो ये कैसे बनेंगे, विल राम हैव इनवाइटेड हिम,
ठीक है, इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। उसके बाद है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन पुट करते हैं वो भी नेगेटिव में पूछते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है जैसे, क्या उसने अपनी छानबीन पूरी नहीं की होगी, क्या उसने अपनी छानबीन पूरी नहीं की होगी, विल ही नोट हैव फिनिश हिम इन्वेस्टिगेशन, विल ही नोट हैव फिनिश हिज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, छानबीन करना। और जैसे नोट है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, विल नोट ही हैव फिनिश्ड हिज इन्वेस्टिगेशन, दोनों तरह से आपका ठीक रहेगा। एक एग्जांपल और देखिए, क्या उसने उसे पैसे उधार नहीं दिए होंगे, विल ही नोट हैव लैंड, लैंड होता है उधार देना, लैंड हिम मनी, विल ही नोट हैव लैंड हिम मनी, क्लियर। और उसके बाद है डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, पहले डब्ल्यू एच आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब एग्जांपल है, वे वहाँ कैसे गए होंगे, कैसे क्या गया, मिडल में आ गया, कैसे, कैसे को इंग्लिश क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ विल दे गो देयर, हाउ विल दे हैव गोन देयर, हाउ विल दे हैव गोन देयर, वे वहाँ कैसे गए होंगे। एक एग्जांपल और देखिए, अगर आपने मेटिव में बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है। जैसे वे वहाँ कैसे गए होंगे, तो इसको जैसे इंग्लिश में बनाना, जैसे वे गए होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे वे गए होंगे, हाउ दे विल हैव गोन देयर, हाउ दे विल हैव गोन देयर, तो हाउ के बाद सब्जेक्ट लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हाउ दे विल हैव गोन देयर, क्लियर। ये था आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आई थिंक ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है आज idiom, उसके बाद है इंसान गलतियों का पुतला, कहते हैं ना इंसान तो गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ होती रहती है इंसान, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु मैन इज टू एर, डबल आर आएगा इसके, एर ई डबल आर, हु मैन इज टू एर, कि इंसान गलतियों का पुतला है। और कहते हैं ना दाल में कुछ काला, कई बार कह देते हैं भाई कुछ काला है, कुछ ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए, इसकी बातों में कुछ काला लग रहा है, तो कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो बोल देते हैं इंग्लिश में समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, तो ऐसे बोल देते हैं कि दाल में कुछ काला है, ठीक है। ये हमारे idiom है। आगे है हमारे वर्ड मीनिंग, एटमोसफेयर, एटमोसफेयर होता है वातावरण, कि वातावरण कैसा, अच्छा है, बुरा है, गंदा, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग में एटमोसफेयर यूज करते हैं वातावरण, वातावरण की इंग्लिश क्या है, एटमोसफेयर, एटमोसफेयर। उसके बाद है एक्सेंट, एक्सेंट होता है बोलने का लहजा, कि आपके बोलने का लहजा कैसा है, जैसे आप हिंदी बोलते हो तो आपको प्रॉपर हिंदी कैसे बोलनी है, उसको एक्सेंट बोलते हैं। आप इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, उसको सीखने के लिए जब आप उसके एक्सेंट को सीखते हैं, उसके बोलने के लहजे को सीखते हैं, तो उसको एक्सेंट बोलते हैं, कि आपके एक्सेंट इज़ वेरी गुड, आपकी एक्सेंट इज़ वेरी बैड, आपकी एक्सेंट इज़ मीडियम, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेंट यूज करते हैं बोलने का लहजा। तो आज थी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस, ये था आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे क्लियर हो गए हैं। आज की ये वीडियो थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और कोशिश करें कि आप को जो भी कराया जाता है इस वीडियो को बार बार देखें, समझे और राइट करें, फिर देखें जब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि एक दो बार देखने से तो वैसे क्लियर हो ही जाएंगे, एक बार देखने से अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप दो बार देखें, तीन बार देखें, आपको ये सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। ये वेरी इजी वीजी है, आपको सिर्फ क्या है, थोड़ा ध्यान देने की, समझने की ज़रूरत है, ये नहीं है कि आपने रटने है, इसको समझना है। जब आप इसको समझना शुरू कर दोगे तभी आपको इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी, रटोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, अगर समझोगे तो धीरे धीरे आपको सारी इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। इंग्लिश और के लिए मेन है जो वोकेबलरी है और टेंस है, अगर आपको टेंस और वोकेबलरी आपकी अच्छी पकड़ है, ग्रामर पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप इंग्लिश में कभी भी मार नहीं खा सकते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।